हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बचत, निवेश, समानता, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र में बचत तथा निवेश की धारणाओं को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में बचत तथा निवेश का एक दूसरे से संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि इन दोनों का अध्ययन प्रायः एक साथ किया जाता है। जिस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने मूल्य विश्लेषण में मांग और पूर्ति को आधार स्तंभ माना है, उसी प्रकार प्रोफेसर कीन्स ने अपने रोजगार एवं आय सिद्धांत के विश्लेषण में बचत एवं विनियोग को दो आधार स्तंभ माना है। विद्यार्थियों, कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर बचत तथा निवेश बराबर होना आवश्यक है, यानी एस इक्वल टू आई होना आवश्यक है। कीन्स के अनुसार बचत आय का वह भाग है जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता, यानी एस इक्वल टू वाई माइनस सी। विद्यार्थियों, इस परिभाषा की खास बात यह है कि यह व्यक्तिगत बचत तथा राष्ट्रीय बचत पर समान रूप से लागू होती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यद्यपि व्यक्तिगत बचत तथा सामाजिक बचत की परिभाषा एक ही है और सामाजिक बचत व्यक्तिगत बचतों का योग होती है, किंतु ऐसा होते हुए भी दोनों प्रकार की बचतों का अलग अलग प्रभाव होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि व्यक्तिगत बचत में वृद्धि ही कुल सामाजिक बचत का आधार है, लेकिन कीन्स ने कहा कि बचत जो कि एक व्यक्तिगत गुण है वह सार्वजनिक बुराई बन जाती है, यानी एक व्यक्ति के लिए बचत अच्छी है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय से में से अधिक बचत करता है तो वह उसके लिए अच्छाई है, किंतु सामाजिक दृष्टिकोण से बचत एक बुराई है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा किया गया जो उपभोग है वह दूसरों की आय वृद्धि का आधार होता है। यदि बचत अधिक करते हैं सभी व्यक्ति तो उससे प्रभावी मांग में कमी आती है। इसको हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी कहते हैं, बचत का विरोधाभास कहते हैं, जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो बचत और निवेश में समानता के द्वारा आय का जो प्रारंभिक स्तर है वह 300 है और ई वन बिंदु पर संतुलन में है, ओ वाई वन आय स्तर पर। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में ई वन ए इतनी बचत में वृद्धि की जाती है, डेल्टा एस यहाँ पर इक्वल टू 50 दिखाया हुआ है, यदि बचत बढ़ाई जाती है तो बचत फलन बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे जो हमारा संतुलन स्तर है बचत निवेश समानता के द्वारा नया संतुलन स्तर E2 पर कायम होगा और आय स्तर घटकर O/2 हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों, गुणक विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है, और हालांकि जो यहाँ पर डेल्टा एस 50 रुपये दिखाया हुआ है, लेकिन आय में वृद्धि 100 के बराबर हो गई है, तो यह बचत का विरोधा भास है। विद्यार्थियों, कीन्स के अनुसार बचत आय का फलन है, एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। बचत की मात्रा बचत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, और जो बचत प्रवृत्ति है उसका अनुमान हम उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC के आधार पर हम उसका अनुमान लगाते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति का। और यहाँ पर हम औसत बचत प्रवृत्ति भी कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, उपभोग फलन
का जब हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियोज में, तब हमने वहाँ पर भी देखा था कि किस प्रकार हम उपभोग प्रवृत्ति से बचत प्रवृत्ति का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि S इक्वल टू Y माइनस सी है, दोनों तरफ Y से डिवाइड करने पर हमारा इक्वेशन इस प्रकार बन जाता है। तो जो S अपॉन Y है, यह बचत प्रवृत्ति है जिसको हम औसत बचत प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, और यह औसत बचत प्रवृत्ति A 1 माइनस सी अपॉन वाई के बराबर है, यानी जो जो उपभोग की औसत प्रवृत्ति है वह सी अपॉन वाई है, उसको एक में से घटाएंगे तो बचत प्रवृत्ति आ जाएगी। इसी प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, हमें याद रखना चाहिए कि इसका मूल्य भी सदा शून्य से अधिक तथा एक से कम होता है। हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC भी जीरो से अधिक और एक से कम होती है, और सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों का योग एक के बराबर होता है, हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में निवेश के बारे में भी डिटेल में अध्ययन हम कर चुके हैं। यहाँ पर इतना ही कहना काफ़ी होगा कि निवेश का मतलब वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि को हम निवेश कहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बचत और निवेश समानता के विभिन्न जो दृष्टिकोण हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बचत और निवेश समानता का प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, क्लासिकल अप्रोच हम ले रहे हैं, और जो प्रतिष्ठित दृष्टिकोण है उसमें हमने देखा था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है और वहाँ पर बचत और निवेश हमेशा समान होते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार S इज फंक्शन ऑफ R, यानी बचत ब्याज दर का फलन है, I इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ R, जो निवेश है वह भी ब्याज दर का फलन है, और जो निवेश है वह ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है, और बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है। यह हम प्रतिष्ठित सिद्धांत का अध्ययन करते समय हम ये देख चुके हैं, और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि ब्याज दरों में परिवर्तन के माध्यम से बचत और निवेश में समानता होती है, यानी पूर्ण रोजगार स्तर पर बचत और निवेश समान होते हैं, और यदि उनमें असमानता होती है तो ब्याज दर परिवर्तनों के माध्यम से बचत और निवेश दोनों समान हो जाते हैं। हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ओ एक्स अक्ष पर हमने निवेश और बचत लिया हुआ है, ओ वाई अक्ष पर ब्याज दर ली हुई है, और इसमें यहाँ पी संतुलन का बिंदु है, और ओ एम बचत और निवेश की मात्रा निर्धारित होती है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यदि बचत ज़्यादा है निवेश से, ये ऊपर वाला पार्ट, तो ब्याज दर कम होगी, और यदि निवेश ज़्यादा है बचत से तो ब्याज दर में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इन दोनों में असंतुलन स्थापित होने पर ब्याज दर परिवर्तनों के माध्यम से बचत और निवेश में समानता स्थापित हो जाती है। विद्यार्थियों, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की जो यह विचारधारा है बचत निवेश समानता के बारे में, उसकी कीन्स ने आलोचना की कि उन्होंने कहा कि बचत और निवेश में जो समानता है वह आय में परिवर्तनों के माध्यम से होती है, और दूसरा उनका कहना है कि बचत निवेश में समानता अपूर्ण रोजगार स्तर पर भी, यानी रोजगार के अल्प रोजगार संतुलन स्तर पर भी यह समानता स्थापित हो सकती है। अर्थव्यवस्था में यह जरूरी नहीं कि पूर्ण रोजगार स्तर पर बचत निवेश में समानता हो। विद्यार्थियों,
अब हम इसके बाद कीन्स का दृष्टिकोण लेते हैं बचत और निवेश समानता के संदर्भ में। विद्यार्थियों, कीन्स ने बचत और निवेश समानता के संदर्भ में दो प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बचत निवेश समानता को दो रूप में लिया है। सबसे पहले हम ले रहे हैं लेखांकन समानता, या जिसको द अकाउंटिंग इक्वलिटी कहते हैं, और यह हमें बताता है कि सभी समयों में आय के किसी भी स्तर पर वास्तविक बचत तथा वास्तविक निवेश हमेशा समान होते हैं। यह जो लेखांकन समानता है वह पर इसको हम पारिभाषिक समानता भी बोलते हैं, क्योंकि कीन्स के द्वारा बचत और निवेश की दी गई परिभाषाओं से ही बचत और निवेश की समानता स्पष्ट होती है। यहाँ हम देख सकते हैं y इक्वल टू सी प्लस आई और y इक्वल टू सी प्लस एस। तो यहाँ पर इसलिए चूँकि सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस है, इसलिए i इक्वल टू एस होगा। विद्यार्थियों, यहाँ कीन्स के अनुसार बचत और निवेश न केवल एक दूसरे के बराबर हैं बल्कि समरूप भी हैं। यानी इस कीन्स के अनुसार जो अकाउंटिंग इक्विलिटी है वो ये स्पष्ट करती है कि भले ही व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बचत तथा निवेश असमान हो, किंतु सारे देश के लिए यह सदा बराबर रहेंगे। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी समय उपभोग कम हो जाए और बचत बढ़ जाए तो सारा माल गोदामों में रखा रहेगा, बिना बका माल गोदामों में रखा रहेगा, और इस प्रकार के माल को जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं उसको हम निवेश में सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार इस माल को मिलाकर निवेश बचत के बराबर हो जाएगा। तो बचत और निवेश की खाता संबंधी समानता या लेखांकन समानता तो सदैव रहेगी, परंतु इनमें सदा संतुलन रहना, इक्विलियम रहना आवश्यक नहीं है। कीन्स के अनुसार यह समानता तभी रहती है, मतलब जो अकाउंटिंग इक्वलिटी है वह तो तब भी रहती है जब अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होती और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हो रहे होते हैं। लेकिन जो कहने का मतलब ये है कि जो कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था जब इक्विलिब्रियम में होती है तब बचत निवेश की फलनात्मक समानता होती है, फंक्शनल इक्विलिटी होती है। यानी बचत और निवेश की धारणाओं को डायनामिक स्वरूप देने के लिए कीन्स ने बचत तथा निवेश की फलनात्मक समानता की बात की है, और बचत तथा निवेश केवल आय के संतुलन स्तर पर ही समान होते हैं, और इस समानता का कार्य आय का समायोजनकारी तंत्र करता है। यानी फलनात्मक समानता के अंतर्गत, फंक्शनल इक्विलिटी के अंतर्गत बचत और निवेश की समानता आय के संतुलन स्तर पर होती है, और जो लेखांकन समानता है वह सदैव रहती है, और इसके लिए अर्थव्यवस्था का संतुलन में रहना आवश्यक नहीं है। विद्यार्थियों, हम जो फलनात्मक समानता है उसको हम इस टेबल से भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आमदनी दी हुई है, बचत दी हुआ है और निवेश दी हुई है। जब बचत निवेश से कम है, यानी आप देख सकते हैं कि जब बचत 5 है, निवेश 10 है, बचत 10 है, निवेश 20 है, यानी इस स्थिति में निवेश ज़्यादा है, बचत कम है, तो आय में वृद्धि हो रही है, और जब निवेश ज़्यादा है, जब निवेश कम है बचत से आय के, जैसे आय 800 है, 900 है, 1000 है, तो यहाँ पर बचत ज़्यादा है निवेश से, तो वहाँ पर आय का आय में संकुचन हो रहा है, और आय के संतुलन स्तर पर यहाँ इस बिंदु पर
बचत और निवेश दोनों समान हैं, दोनों 55-55 हैं। यहाँ इस स्थिति में आमदनी में संतुलन है, आय स्तर संतुलन स्तर पर है, आई इक्वल टू एस है। तो इस प्रकार बचत और निवेश की जो समानता है वह आय परिवर्तनों के माध्यम से हो रही है। जब निवेश ज़्यादा है बचत से तो आय में वृद्धि की गति होगी और उससे बचत आगे बढ़ जाएगी। तो विद्यार्थियों, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ओ एक्स अक्ष पर आमदनी ली हुई है और ओ वाई अक्ष पर बचत और निवेश लिया हुआ है। आई आई निवेश रेखा है और एस एस बचत रेखा है। ई बिंदु पर बचत और निवेश दोनों समान हैं, लेकिन ई बिंदु के बाई तरफ निवेश अधिक है इधर और बचत कम है, तो आय में वृद्धि की प्रवृत्ति है। और ई बिंदु के दाई तरफ बचत अधिक है, निवेश कम है, तो आय में संकुचन की प्रवृत्ति है। तो कार्यात्मक समानता को हम बचत निवेश संतुलन के माध्यम से देख सकते हैं कि जहाँ पर बचत और निवेश संतुलन है वहाँ पर आय का संतुलन स्तर है, आमदनी संतुलन स्तर पर है। विद्यार्थियों, यह कीन्स का दृष्टिकोण है बचत और निवेश समानता के बारे में। इसके अलावा हम बचत निवेश समानता के अन्य दृष्टिकोणों की भी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं प्रोफेसर रॉबर्टसन का नाम। प्रोफेसर रॉबर्टसन केन्स की इस बात से सहमत नहीं थे कि बचत तथा निवेश अनिवार्यतः बराबर होते हैं। उन्होंने अपने एनालिसिस में अवधि विश्लेषण को शामिल किया है। विद्यार्थियों, बचत और निवेश का जो पारस्परिक संबंध है वह अर्थशास्त्रियों के लिए एक विवादपूर्ण विषय रहा है। और केन्स ने तो बचत और निवेश की परिभाषाएं इस प्रकार की हैं कि दोनों सदैव समान दिखाई पड़ती हैं, और केन्स ने जो बचत तथा निवेश के वास्तविक अथवा जो प्राप्त किए गए यानी एक्चुअल या रियलाइज्ड या इसको बोलते हैं हम एक्सपोस्ट रूप की चर्चा की है, और उन्होंने कहा है वास्तविक बचत वास्तविक निवेश के बराबर होती है। लेकिन अन्य अर्थशास्त्रियों ने कीन्स की बचत निवेश संबंधी परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, और उनका कहना है कि अल्पकाल में बचत और निवेश में समानता अनिवार्यतः नहीं होती। और रॉबर्टसन ने अपने बचत निवेश और उपभोग के संदर्भ में टाइम एनालिसिस को शामिल करते हुए उन्होंने कहा कि जो बचत और निवेश हैं वह अनिवार्यतः बराबर नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो बचत है वह एसटी यानी टी समय में जो बचत है वह बराबर है वाई टी माइनस वन माइनस सी टी, यानी जो टी समय की बचत है वह पिछले समय की आय पर निर्भर है और पिछले समय की आय में से उपभोग को घटाने के बराबर होगी। और जो पिछले समय की आय है हम इसी इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से अगला निकाल सकते हैं कि वाई टी माइनस वन इक्वल टू सी टी प्लस एस टी। और उन्होंने कहा जो वाई टी है वह सी टी प्लस आई टी के बराबर है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि वाई टी माइनस वन इक्वल टू सी टी प्लस सी आई टी माइनस सी टी प्लस एस टी ब्रैकेट में। तो इससे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं आई टी माइनस एस टी, यानी टी समय में बचत और निवेश में अंतर हो सकता है। विद्यार्थियों, जो स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि बचत और निवेश के दो दो प्रकार होते हैं, प्रत्याशित
एक्स एंटी और एक्स पोस्ट यानी वास्तविक। तो निवेश भी प्रत्याशित निवेश हो सकता है, वास्तविक निवेश हो सकता है, और बचत भी प्रत्याशित बचत और वास्तविक बचत हो सकती है। प्रत्याशित अथवा अपेक्षित बचत और निवेश वे होते हैं जिन्हें लोग प्राप्त करने की आशा रखते हैं। इसके विपरीत वास्तविक बचत तथा निवेश वे हैं जिन्हें वास्तव में प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों, कीन्स ने बचत तथा निवेश के वास्तविक रूप को ही अपनी व्याख्या का आधार बनाया था, परंतु स्वीडन के अर्थशास्त्री बचत तथा निवेश के प्रत्याशित रूप को भी अपनाते हैं। और जो प्रत्याशित जो बचत है वह भविष्य में बचतकर्ताओं के इरादों को व्यक्त करती है, इंटेंशंस को व्यक्त करती है, और जो प्रत्याशित निवेश का संबंध जो निवेशक हैं उनकी योजनाओं से होता है। विद्यार्थियों, इनका कहना है स्वीडिश अर्थशास्त्रियों का कि चूंकि एक जो गतिशील अर्थव्यवस्था है, डायनेमिक इकोनॉमी है, उसमें असंख्य बचतकर्ता और निवेशक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग रहकर बचत तथा निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं, इसलिए प्रत्याशित बचत तथा प्रत्याशित निवेश में अंतर होना स्वाभाविक है। और जो वास्तविक बचत यानी यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश यानी वास्तविक निवेश जो एक्स पोस्ट हैं वह हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्याशित निवेश तथा प्रत्याशित बचत बराबर हों। तो जो बचत और निवेश की जो समानता है वह वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश हमेशा समान होते हैं। और इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जो प्रत्याशित बचत और निवेश तभी समान होते हैं जब आय में संतुलन है, और वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश परिभाषा के अनुसार ही समान होते हैं। तो विद्यार्थियों, यह बचत और निवेश समानता के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि आय के संतुलन स्तर के लिए बचत और निवेश में समानता होना आवश्यक है। मैं समझती हूँ विद्यार्थियों, बचत और निवेश की समानता से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण आपको समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।